हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कोई भी एक्सटीरियर एंगल एक्स जहां पे हमें और एंगल्स दिए गए हैं। इसके लिए हम एक फैक्ट यूज़ करना ज़रूरी है, दैट इज़ सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन होगी उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री। अभी आपके पास पॉलीगन है, इसके पास नंबर ऑफ साइड्स 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान लीजिए आपके पास हेक्सागन होती, हेप्टागन होती, तब भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता? 360 डिग्री। मान लीजिए ट्राइंगल ही होती, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना आएगा? 360 डिग्री। यही फैक्ट हम यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें दो एंगल ऑलरेडी दिए गए हैं विच आर एक्सटीरियर एंगल। वी हैव टू फाइंड अनदर एक्सटीरियर एंगल विच इज़ नेम्ड एज एक्स। सो वी विल यूज़ द फैक्ट दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। सो वी विल टेक एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू एंड एंगल सी की वैल्यू, सम इज़ 360। सो आप यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे आ गया ये 250, यहाँ पे 360। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 360 माइनस 250। कर लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट, ये आ गया आपके पास एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। सिमिलरली द केस विथ सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो एंगल आपको 70 और 60 दिए गए हैं, अदर टू एंगल्स आर 90 डिग्री। सो वी विल स्टार्ट विद द सेम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, पुट कर लेंगे वैल्यूज, ठीक है। अब पुट कर दीजिए इनकी वैल्यूज, एक्स प्लस बी की वैल्यू 90, सी की वैल्यू 60, डी की वैल्यू 90, ई की वैल्यू 70 इज इक्वल टू 360। कर लीजिए इसका सम, 90 प्लस 90 इज 180, 60 प्लस 70 दैट इज 130, 360। यहाँ पे प्लस लगेगा क्योंकि अभी हमने साइड चेंज नहीं की है। अब इन दोनों का सम 0, 8 और 3, 11, कैरी 1, आ गया आपके पास 310। एक्स की वैल्यू 360 माइनस 310 दैट इज 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू इस तरह से इजी वे में आपने फाइंड आउट कर ली। नाउ व्हाट इज द केस विद द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन अगर हमें साइड्स दी गई हैं 9। जब कभी भी हमें नंबर ऑफ साइड्स दी गई हैं, आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल सम कितना होता है, 360, और हर एक साइड पे जितना एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उससे कर लीजिए आप डिवाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आपके पास हैं, यहाँ पे जो भी है आपके पास एक्स डिग्री, आई हैव टेकन वट इज़ वट एवर मे बी एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है क्वेश्चन में, तो साइड्स आ जाएंगी 360 के डिवीज़न में। दोनों को इंटरचेंज करके आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1, पहले क्वेश्चन में दी गई हैं आपको 9 साइड्स। 9 साइड से आपको पहुँचना है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल को हम यहाँ रखेंगे, साइड्स को ले जाएंगे इधर। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 9, साइड से डिवाइड कर दिया हमने, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। अब मान लीजिए आपको अगर एक्सटीरियर एंगल दिया गया होता, तो आप 360 को डिवाइड करते एक्सटीरियर एंगल से, आपके पास साइड्स आ जाती। सेम विज द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपको 15 साइड्स दी गई हैं, 360 को डिवाइड करेंगे आप 15 साइड से। क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल आपके पास 24 डिग्री है तो साइड्स कितनी होंगी। यहाँ पे दिया है आपको एक्सटीरियर एंगल, हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सटीरियर एंगल सम डिवाइडेड बाय 1 एक्सटीरियर एंगल। एंगल सम विद एनी पॉलीगन इज 360, इसको डिवाइड करेंगे हम 24 से। ये आ गया आपको 3 से डिवाइड करने पे, ये आ गया आपके 2 से डिवाइड करने पे, ठीक है। 4 1 4 कैरी 2, 4 5 20। सो इस पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी, दैट इज 15 साइड्स। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल दिया गया है तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करिए, अगर साइड्स दी गई हैं तो साइड से डिवाइड करिए, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।